लोटस आयुर्वेद इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे पैरों में डार्क स्पॉट होने के पीछे हो सकते हैं ये कारण। मैं आपको बता रहा हूं इसे दूर करने के उपाय। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले बोलना चाहूंगा, आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन की घंटी बजा दें, जिससे हमारे आने वाले सारे वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो आइए शुरू करते हैं। चेहरे के साथ ही पैरों का खूबसूरत होना बेहद आवश्यक माना जाता है। पैरों में अनावश्यक दाग धब्बों के कारण महिलाएं कई तरह की ड्रेस को पहनने से संकोच करती हैं। तेज धूप, किसी तरह की चोट या हार्मोनल बदलाव पैरों में डार्क स्पॉट की वजह बन सकते हैं। इसके लिए अलावा डायबिटीज भी कई लोगों में हाइपर पिगमेंटेशन की वजह बन सकती है। शरीर में मेलेनिन अधिक बनने की वजह से स्किन पर डार्क स्पॉट की समस्या हो सकती है। मेलेनिन का स्तर जितना अधिक होगा, शरीर में डार्क स्पॉट की समस्या उतनी अधिक होगी। ज्यादातर महिलाओं में ये डार्क स्पॉट किसी तरह की समस्या का कारण नहीं होते हैं, लेकिन उन्हें दूर करना बेहद जरूरी होता है। शुरुआती दौर में डॉक्टर व्यक्ति को किसी तरह की क्रीम लगाने की सलाह दे सकता है, जबकि घरेलू उपायों को अपना कर भी डार्क स्पॉट की समस्या को काफी हद तक कम किया जा सकता है। पैरों में डार्क स्पॉट्स के कारण सूर्य की यूवी किरणों का असर। सूर्य की तेज किरणों से अधिक समय बिताने से स्किन में मेलेनिन का उत्पादन बढ़ जाता है। इससे त्वचा पर काले धब्बे पड़ सकते हैं। खासकर पैरों पर धूप में बाहर रहने से त्वचा की रंगत बिगड़ सकती है। पैरों में चोट या कट लगना। पैरों में छोटे मोटे कट और खरोच होने पर एक जगह मेलेनिन का उत्पादन बढ़ जाता है, जिससे वहां पर धीरे धीरे काले धब्बे बन जाते हैं। बढ़ती उम्र बढ़ने के साथ स्किन में कोलेजन और एलास्टिन की भी कमी होने पर जिससे काले धब्बे उभरने लगते हैं, ये भी पैरों में दाग धब्बे और डार्क स्पॉट होने की वजह बन सकते हैं। हाइपर पिगमेंटेशन एक ऐसी स्थिति है जिसमें स्किन की कुछ जगहों पर मेलेनिन का उत्पादन होता है। इससे व्यक्ति के पैरों में काले धब्बे बन सकते हैं। हार्मोनल बदलाव। शरीर में हार्मोनल बदलाव जैसे कि गर्भावस्था या पीरियड्स के समय भी पैरों में काले धब्बे होने के कारण बन सकते हैं। इससे पैरों में छोटे मोटे काले धब्बे बनने लगते हैं। पैरों के डार्क स्पॉट्स को हटाने के तरीके। एलोवेरा जेल का उपयोग करें। एलोवेरा में प्राकृतिक ब्लीचिंग एजेंट की तरह काम करता है, जो स्किन के दाग धब्बों हल्का करने में मदद करने लगता है। नियमित रूप से प्रभावित जगह पर एलोवेरा जेल लगाने से काले धब्बे कम हो सकते हैं, साथ ही स्किन की अन्य समस्याएं भी दूर होती हैं। नींबू और शहद का मिश्रण। नींबू में साइट्रिक एसिड होता है, जो स्किन को ब्लीच करने में मदद करता है, जबकि शहद त्वचा को मॉइस्चराइज करती है। इस मिश्रण को पैरों के दाग धब्बों में लगाने से कुछ ही दिनों में आपको असर दिखने लगेगा। चंदन पाउडर और गुलाब जल। चंदन पाउडर त्वचा को ठंडक पहुंचाता है और डार्क स्पॉट्स को कम करने में मदद करता है। इसे गुलाब जल में मिलाकर पेस्ट बनाएं और नियमित रूप से पैरों के डार्क स्पॉट्स पर लगाएं। इस उपाय को आप सप्ताह में 2 से 3 बार अपना सकते हैं। स्किन से दाग धब्बों हटाने के लिए बाजार में कई तरह के कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट उपलब्ध हैं। केमिकल पिल्स और लेजर ट्रीटमेंट से पैरों के दाग धब्बों को डार्क स्पॉट को दूर किया जा सकता है। इस समस्या से बाहर निकलते समय सन स्क्रीन का उपयोग जरूर करें, साथ ही मॉइस्चराइजर का नियमित रूप से इस्तेमाल करें। स्किन पर होने वाले दाग धब्बों में अगर आपको प्रॉब्लम है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा अवश्य बताएं। धन्यवाद।